देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 172 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो टॉटोमेरिज्म। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। पहला जो है बच्चों वो इनोल है, तो इनोल आपको पता है कीटो में बदल जाएगा, तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। इसमें बच्चों अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, तो टॉटोमेरिज्म आसानी से होगा। इसमें भी बच्चों दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी होगा। इसमें बच्चों ना तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ना तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर डी होगा। 173 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। इसमें से कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तो बच्चों टॉटोमेरिज्म शो करेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? सी डबल बॉन्डों के ठीक बगल वाले sp3 कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तीन तीन, ठीक है ना बच्चों। इसमें देखिए एल्डिहाइड के ठीक बगल में sp3 कार्बन नहीं, sp2 है, और कोई हाइड्रोजन भी नहीं है बच्चों। यहाँ पर सी डबल बॉन्डो अल्फा हाइड्रोजन एबसेंट है, नहीं है यहाँ पर भी, नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 174 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नेग्लिजिबल इनोल। मतलब किसका इनोल स्टेबल नहीं होगा? तो बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए का जब आप इनोल बनाओगे यहाँ से, चलो बना ही देते हैं। जैसे आप यहाँ पर इनोल बनाओगे बच्चों, डबल बोन यहाँ पर ये सिंगल और OH हो जाएगा। ऐसा करने से क्या है बच्चों, ये रिंग जो है ना ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, और आपको पता है एंटी एरोमेटिक रिंग जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि इस कंपाउंड में जब टॉटोमेरिज्म होगा, जब कीटो इनोल में बदलेगा, तो बच्चों जो इनोल बनेगा चूंकि वो हाईली अनस्टेबल है, तो वो नेग्लिजिबल इनोल होगा, मतलब इनोल बनेगा नहीं, और बनेगा भी तो बहुत कम अमाउंट में बनेगा, इतना कम कि नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना। इसलिए नेग्लिजिबल वर्ड यूज में लिया गया। इसमें बच्चों जब आप यहाँ पर टॉटोमेरिज्म करोगे तो यहाँ पर देखो ये एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर जब आप टॉटोमेरिज्म करोगे तो ये बच्चों है ना नॉन एरोमेटिक रिंग बनेगा, और तो और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर भी बच्चों 1,3-डाईकीटो में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इसका इनोल स्टेबल होता है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि इन तीनों के इनोल स्टेबल होते हैं और इसका इनोल हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इसमें नेग्लिजिबल इनोल होंगे। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 175। 175 में बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सी डबल बॉन्डो के ठीक बगल में sp3 कार्बन है नहीं। जब अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में बच्चों हाइड्रोजन प्रेजेंट होता, सॉरी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दोनों तरफ है, तो बच्चों हम गामा कार्बन की ओर मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर गामा कार्बन अल्फा बीटा के बाद यहाँ पर जो गामा है वो कार्बन नहीं बच्चों, हाइड्रोजन है। कोई बात नहीं, कार्बन के जगह पर अगर हाइड्रोजन हो जाए तो बच्चों नाइट्रोजन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कार्बन के जगह पर अगर नाइट्रोजन हो जाए तो नाइट्रोजन तो कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है ना बच्चों। तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और भी ज़्यादा एसिडिक होता है, कहने का मतलब है टॉटोमेरिज्म और फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है इसके टॉटोमर्स पूछा है बच्चों। तो जब आप यहाँ से टॉटोमर्स करोगे तो यहाँ से बच्चों ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा बच्चों, और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड सिंगल पाई बन जाएगा बच्चों, और ये रिंग बन जाएगा एरोमेटिक, OH बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए ही दिख रहा है, ठीक है बच्चों। देखो डी तो वहाँ गलत है और यहाँ पर पोजिशन ही गलत कर दिया है, और इसमें टोटोमेरिज्म किया ही गलत तरीके से, इनोल बना दिया लेकिन स्ट्रक्चर सही नहीं। 176 में बच्चों देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनोल कंटेंट, मतलब सभी के इनोल बनाने और इनोल किसका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 1,3, देखो ये 1 है और ये 3 है ना। अगर कीटोन के पोजीशन की बात करें तो इसको बोलते हैं 1,3-डाई-कीटो कंपाउंड है ना, और इसको बोलते हैं 1,3-डाई-कीटो एस्टर। एक तरफ से कीटो है, एक तरफ से एस्टर है, ठीक है ना बच्चों। तो 1,3-डाई-कीटो जो होता है, 1,3-डाई-कीटो का इनोल ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर बच्चों 1,3-डाई नहीं बोलेंगे, कीटो एस्टर बोलेंगे, और फिर बच्चों यहां से ये जो दिया हुआ है कीटोन, वो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है बच्चों, सबसे पहला नंबर जो इनोल कंटेंट होता है ना, इनोल कंटेंट जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस,
स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मतलब एनायन। अब एनायन कैसे बनते हैं, जब एसडी मोर एसडी हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो एनायन जो बनता है वो कंजुगेट बेस होता है। तो बच्चों इसमें यहाँ पर यहाँ बनाओगे, इसमें यहाँ बनाओगे और इसमें बच्चों यहाँ पर बनाओगे, ठीक है ना। तो आपको जैसा कि पता है कि ये बीच वाला एनायन इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी रेजोनेंस करेगा, इसमें बच्चों इधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी रेजोनेंस होगा, जबकि इसमें केवल एक ही तरफ की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ये दोनों एनायन चूँकि ज़्यादा स्टेबल है, ये दोनों एनायन ज़्यादा स्टेबल है ना बच्चों इसके मुकाबले, तो इसलिए ए का इनोल कंटेंट सबसे कम होगा। इसीलिए वो बात बताया था आपको, वो ध्यान रखना है, 1,3-डाइकीटो का इनोल सबसे ज़्यादा होता है, फिर कीटो एस्टर का होता है, फिर कीटोन का होता है। तो बी और सी आगे आगे आएंगे बच्चों। अब बी और सी में भी कैसे, क्या याद रखोगे आप, 1,3-डाइकीटो का जो इनोल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, कीटो एस्टर के जो इनोल होते हैं बच्चों वो कीटो एस्टर से कम स्टेबल होते हैं। फिर से सुनिए, 1,3-डाइकीटो कंपाउंड का जो इनोल होता है ना, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये है ना, ये कीटो है तो कीटो से इनोल बनाएगा, तो इसका जो इनोल होता है ना वो इनोल जो है कीटो से ज़्यादा स्टेबल होता है, समझ के बात को। और ये भी इनोल बनाता है लेकिन इसका कीटो जो है बच्चों वो इनोल से ज़्यादा स्टेबल होता है। कारण कारण होता है बच्चों इस एनायन की स्टेबिलिटी। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ये ग्रुप है ना बच्चों, ये इसके साथ जो लगा हुआ है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस एम लगाता है, जिसके कारण इस एनायन की स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है, ठीक है ना। तो एनायन की स्टेबिलिटी कम होने के कारण जो है इसका इनोल कंटेंट भी क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। एनायन की स्टेबिलिटी कम होने के कारण इसका इनोल कंटेंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 1,3-डाइकीटो का इनोल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बी और फिर बच्चों सी होगा और फिर ए हो जाएगा। समझ में आई बात, आपको सीधा सीधा ये वाला फंडा लगा देना है, इनोल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, तीनों में एनायन बना दिया, ये वाला एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल। देखिए यहाँ से सी एच थ्री क्या लगाएगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी, इसमें एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, एक तरफ से प्लस एम लग रहा है। दोनों एनायन को आप कंपेयर करोगे तो बी वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल है, सी वाला कम है और ये सबसे कम है, तो ये हो जाएगा। तो बी सी ए करके ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों।